हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 4.1 सम नंबर 2। आगे हमने एक्सरसाइज 4.1 का सम नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है। आज हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो सम नंबर 2 है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो फिगर लिया है, हमें सबसे पहले क्या करने का है, एक लाइन ड्रॉ करने की है। यहाँ पे लाइन दी हुई है, देखो वो हमें देख देख के क्वेश्चन में लाइन है और इसके पॉइंट के 4 पॉइंट दिए हैं ए बी सी डी। इसे हमें 12 अलग अलग लाइन के नाम लेने के है, फाइंड करने के है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 12 डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन आर। ठीक है, तो द लाइन कैन बी नेम्ड बाय यूज एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन एनी ऑर्डर। सो द 12 डिफरेंट The 12 different names of the line are A, B, A, C, A, D, फिर आएगा B, A, B, C, B, D, फिर C, A, C, B, C, D। फिर D, A, D, B, D, C। सबसे ए से स्टार्ट करेंगे तो ए बी ए सी ए डी। ठीक है, फिर बी से स्टार्ट करेंगे तो बी ए बी सी बी डी। फिर सी से स्टार्ट करेंगे तो सी ए सी बी सी डी। फिर डी से स्टार्ट करेंगे तो डी ए डी बी डी सी। तो ये 12 लाइन नेम्स हो गए डिफरेंट डिफरेंट लाइन के। तो यहाँ हमारा ये आंसर फिनिश हो गया। अब एक नंबर 3, सम नंबर 3। ठीक है, तो 3 क्या है, यूज़ द फिगर टू नेम। ये फिगर दिया है, उसे हमें इसमें जो क्वेश्चन ए बी सी डी क्वेश्चन है उसके आंसर देने के है। तो जैसा फिगर है वैसा हमें बनाने का है, जैसे मैंने बोर्ड पे बनाया है, और उसको नाम भी देने का है, और फिर जो ए बी सी डी क्वेश्चन दिए है उसके आंसर देने के है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें क्या करने का, ऐसा ही फिगर बनाने का है, और इसमें जैसे नाम दिए है ऐसे हमें नाम भी देने के है। तो जैसे मैंने भी बोर्ड पे लिखा है और नाम दिया है, आपको वो देखना है, और आपकी बुक में भी है। तो आगे इसका आंसर हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। ठीक है, तो जो लाइन पॉइंट ई को कंटेन करती है उसका नाम क्या है। तो फिर हम उसका आंसर क्या है, ए लाइन दैट कंटेनिंग पॉइंट ई इज एफ ई। ठीक है, जो लाइन पॉइंट ई को कंटेन करता है इसका नाम क्या है, एफ ई। एंड अदर लाइन इज ए ई। देखो ए ई एंड एफ ई दो है जो पॉइंट ई को कंटेन करता है। ठीक है, अब है सेकंड क्वेश्चन, लाइन पासिंग थ्रू ए। जो ए से लाइन पास होती है वो कौन सी है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा, ए लाइन दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट ए इज बी डी। जो पॉइंट ए से पास होती है वो लाइन कौन है, बी डी। ठीक है, और बी डी को हम डी बी भी बोल सकते हैं, डिफरेंट नाम भी दे सकते हैं, बी डी और डी ई और डी बी। ठीक है, फिर है पॉइंट सी, लाइन ऑन विच ओ लाइज।
वो लाइन जिसके ऊपर ओ है, ठीक है, तो उस ओ लाइन कौन है, जिसके ऊपर ओ है वो लाइन कौन है, वो हमें बताने का है। तो यहाँ पे ए लाइन विच पॉइंट ओ लाइज इज सी बी, जो सी बी लाइन है उस पे ओ है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर कौन सा है हम, हाँ डी, ए बी सी डी, डी आए। टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन इसका मतलब है एक दूसरे को लाइन काटती है, वो कौन सी है, उसकी पेयर कौन सी है। एक लाइन नहीं दिखाने के, पेयर मीन्स दो पेयर ऐसी कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे है टू पेयर्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स इन द फिगर आर, कौन कौन सी है, ए डी एंड सी ओ। फर्स्ट पेयर है ए डी एंड सी ओ, फर्स्ट पेयर कौन सी है, ए डी एंड सी ओ, ठीक है, वो दो पेयर है। फिर आगे कौन सी है दूसरी, ए वन वन पेयर हुई है, दूसरी पेयर कौन सी है वो हमें बताने का है। तो दूसरी पेयर है ए ई एंड एफ ई, ए ई एंड एफ ई वो क्या है, एक दूसरे को काटती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया, एक्सरसाइज 4.1 का 2 और 3 का सम कंप्लीट हो गया। हम 4 करेंगे लेकिन इतनी प्लेस नहीं है, तो आधा किया है, आधा आगे करेंगे। 1 पॉइंट का हमने आंसर दिया है, सेकंड पॉइंट का आंसर आगे करेंगे। यहाँ पे देखो क्या है सम नंबर 4, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू 1 गिवन पॉइंट 2 गिवन पॉइंट्स। तो यहाँ पे फर्स्ट में जो फिगर उसमें दिया है वो मैंने भी ड्रॉ किया है, और फिर आपको बताने का है कि यहाँ पे 1 ही पॉइंट है, कितने हैं, 1 पॉइंट है, पॉइंट का नाम क्या है, 0। तो उसमें से कितनी लाइन पास हो सकती है, ठीक है, 1 पॉइंट में से कितनी लाइन पास हो सकती है। तो यहाँ पे हमने दिखाया है कि जो 1 पॉइंट है वो इसमें से कितनी लाइन पास हो सकती है, तो नंबर ऑफ द लाइन कैन पास थ्रू 1 गिवन पॉइंट फ्रॉम द गिवन फिगर, इट इज़ क्लियर दैट इन्फिनेट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू द पॉइंट 0। इसका मतलब है कि असंख्य लाइन इसमें से पास हो सकती है, ठीक है। तो या हमें ये क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट ए का आंसर दे दिया है, पॉइंट बी का आंसर हम यहाँ भी फिगर बना के फिर देंगे, लेकिन वो मैं आपको ओरली समझाती हूँ, फिर ड्रॉ करके भी आगे कराऊंगी। तो इसमें क्या करने का है, लाइन बनाने की है, एंड इसमें 2 पॉइंट बनाने के, पॉइंट के नाम कुछ भी दे सकते हो, ए बी पी क्यू कुछ भी आप दे सकते हो। तो ऐसे पॉइंट बनाने के और फिर आंसर देने के, क्योंकि यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, 2 गिवन पॉइंट्स मीन्स 1 पॉइंट नहीं है लेकिन 2 गिवन पॉइंट है, इसमें से ही आपको आंसर देने का है। तो आगे देखा कि 1 पॉइंट में से कितनी लाइन पास हो सकती है, तो इन्फिनेट मीन्स असंख्य लाइन पास हो सकती है, लेकिन पॉइंट 1 और 2 है उसमें से कितनी लाइन पास हो सकती है, तो लाइन 1 एंड ओनली 1 आंसर क्या है, 1 एंड ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। ओनली एक ही लाइन 2 गिवन पॉइंट में से कितनी लाइन पास हो सकती है, 1 एंड 1 ओनली 1 लाइन पास हो सकती है, जबकि गिवन पॉइंट 1 होता है उसमें से असंख्य लाइन इन्फिनेट लाइन पास हो सकती है। तो यहाँ पे ए पॉइंट का आंसर मैंने दिया है, बी पॉइंट का ओरली समझाया, फिर आपको बता वो भी आंसर मैं बोर्ड पे लिखा दूँगी। तो लेकिन क्या है कि 1 एंड ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू
गिवन टू पॉइंट, टू पॉइंट में से एक ही लाइन पास हो सकती है। तो ये आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस टू सम्स एंड राइट इन योर मैथ नोटबुक एंड होमवर्क नोटबुक, एंड आगे फिर करेंगे। थैंक यू।